कौन सा था, जो असल सवाल है जिससे आप जान छुड़वा रहे हैं। उधर वापस आए जी। ओके, आपकी बात पूरी हो गई। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है कि मैंने कहा है कि मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी भी सनातनी के पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी के पास भी नहीं। अगर कोई ये कहता है हिस्टोरिकल एविडेंस यहाँ दर्ज है कि उनका दौर क्या था, उनका जीवन क्या था, वो किस टाइम पे हुए, कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस वो होता है जिसको हिस्टोरियन दर्ज करते हैं अपनी किताबों, ना भी कोई ना कि कोई मजहबी किताबों में। मजहबी किताबों में बड़ी जगह आपको उनका दौर मिलेगा, उनका शासन मिलेगा, उनका शासनकाल मिलेगा, उनका जीवन चरित्र मिलेगा, हिस्टोरिकल एविडेंस में नहीं मिलेगा। उसी तरीके से किसी भी रिलीजियस फिगर का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ना जीसस का, ना मोहम्मद साहब का, ना कृष्णा जी का, ना राम जी का। अगर आपके पास मोहम्मद साहब का हिस्टोरिकल एविडेंस है, किसी भी मजहबी किताबों से नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस, तो आप मुझे रिप्रेजेंट करें, प्रेजेंट करें आप। और अगर आप, आपके पास भी ये नहीं है और फिर भी आप मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल और अपना नबी मानते हैं, तो फिर आपको इस पर एतराज नहीं होना चाहिए कि लोग राम को अपना पूर्वज मानते हैं। जी आमिर भाई, ओवर टू यू। क्लेम मैं कर रहा हूं या वो कर रहा है जो नारा मार रहा है और ये भी मान रहा है कि कोई भी नहीं है? मेरा तो क्लेम अभी है तो वो नारा एग्जिस्ट मार रहे करते हैं, हैं। मैं क्लेम भी करता हूँ एग्जिस्ट करते हैं। आप तो क्लेम कर रहे हो कि वो नहीं है, करें। फिर नारा किस चीज पे मार रहे हो? बीच में ना बोलो, मैं बोला हूं इंसान का बच्चा बन, कमाल है यार। मैं चुप करके सुनता रहूं, मेरी बारी में चाऊं चाऊं बीच में। बोलो यार अब। चुप करके बैठ जा, माइक म्यूट कर मेरा भाई, इज्जत के साथ। बात यह है, क्लेम आप कर रहे हो, क्लेम आप कर रहे हो कि श्री राम नहीं है किसी के पास, बल्कि ये लो नवा कटा खोल दिया यहां पर, इसको भी रिकॉर्ड शॉट बना लो। उन्होंने कहा जो कहता है कि वो एग्जिस्ट करते थे वो भी झूठ बोल रहा है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अपनी तो लुटिया डूबी ही डूबी, साथ सारे सनातनियों की भी डूब दी, और कहते हैं जी किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास तो है, हम तो डूबे, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और जो बोलता है वो भी मक्कार है, झूठ बोल रहा है। पॉइंट नंबर वन। दूसरा ये है, ये सवाल आप पर है, ये जो ये मान रहा है कि श्री राम का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस एग्जिस्टेंस का नहीं है, वो नारा किस बेस पे मार रहा है? हम मार रहे हैं तो हम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब बात यही कि आप साबित करें, जब वो विषय होगा हम उसको साबित कर देंगे। और आपने अगर सबूत मांगना है तो आपसे प्राइवेट ईमेल आ गई है ना, प्राइवेट बात हो जाएगी, उसमें आपको सबूत देते रहेंगे। आपका साथ इस्लाम के ऊपर बात करने का तरीकाकार मुफ्ती साहब ने कल आपको बता दिया है क्या तरीकाकार है। मेरा सवाल, बैक टू द सवाल, सवाल ये है, श्री राम आपने, बल्कि अली भाई, मेरे ख्याल से मैं सवाल क्या दोहराऊं, अली भाई ये सवाल था, बम्बार्डमेंट देखिए सवाल की, अली भाई भाई जी जी ये सवाल था। अब मैं क्या पूछूं, वो युग भी नहीं बता रहे। अगर वो युग बताते तो फिर मैं युग की गिनती करवाता, सालों की गिनती क्या है। ये बड़ी लंबी गप गप चल रही थी, मगर उसने पहले हथियार डाल दिए। खैर बहरहाल, ओवर टू अली भाई, मेरी तरफ से बस इतना ही है, और कोई बात अगर मेरा चलती है तो उसको डिस्कस करते हैं। जी मेरा जस्ट 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, और वो मेरा दावा ये है कि समीर भाई ने पब्लिक के साथ, सनातनियों के साथ, हमारे साथ झूठ बोला, और आज ही के स्ट्रीम में लाइव झूठ बोला। सारी किताबों को ये नहीं मानते, एक किताब इन्होंने पढ़ी और उसको ये मानते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और झूठ क्या है, अगर ये श्री कृष्णा जी को भगवान नहीं मानते तो फिर ये फॉलो कहाँ से करते हैं? वहां पर तो है ही उनकी भक्ति की बात और उनके ईश्वर होने के दावे भगवत गीता में मौजूद हैं, और ये बंदा कह रहा है कि मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। भगवत गीता को फॉलो करते हो तो फिर कृष्ण जी को आपको भगवान मानना पड़ना था, अवतार नहीं बल्कि स्वयं खुद उसके अंदर, गीता के अंदर उनके दावे मौजूद हैं। अगर आपने पढ़ी होती तो आप ये इतना बड़ा झूठ आके हमारे सामने कम से कम ना बोलते। हम ऐसे ही जो है ना, आपकी तरह मुसलमान नहीं है समीर साहेब, और हम आप ही की तरह सनातन के ऊपर बात नहीं कर रहे। मैंने ये दावा किया है, करो इसको, कि तुम फॉलोअर ऑफ गीता हो। अगर फॉलो करते हो तो फिर उसके एक एक श्लोक के तुम जुम्मेदार हो, और तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवत गीता के अंदर क्या क्या मौजूद है भगवान। मैंने दावा कर दिया कि समीर अगर फॉलो करता होता, फॉलोअर का मतलब है उसकी बातों को ऑन करके उसको फॉलो करता है, तो ये श्री कृष्णा जी को उन्होंने स्टार्ट में कह दिया कि भाई मैं कोई भगवान कोई ईश्वर मैं नहीं मानता हूं, मैं जस्ट पूर्वज मानता हूं। तो जस्ट पूर्वज हैं कृष्ण जी इनके, ये भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ। भगवत गीता में तो उनका ईश्वर तक होना लिखा हुआ, जो उन्होंने क्लेम किया, जो उन्होंने दावे किए। तो अगर ये करते हैं तो ये झूठ ना बोलते। समीर साहब क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? भगवत गीता को भी फॉलो नहीं करते, अभी मुझे अभी
आप दोनों की बातें मैंने सुनी है जिस खामोशी के साथ, अब आप उसी खामोशी के साथ जवाब सुनिएगा। आप हालांकि इस तरीके से कर रहे हैं कि पहले एक आदमी बात करता फिर दूसरा सवाल करने लगता है। अब मैं ये अपना, मेरे पास एक टाइम है, अब एक टाइम में मैं आमिर को काउंटर करूं कि आपका जवाब दूं, तो ये जो मुझे हिपोक्रेसी और ये जो दोगलापन आप, नहीं नहीं क्यों हो गया, क्यों हो गया, उसको कैसे छोड़ दूं मैं, जो इतना बड़ा ब्लंडर मारा है उस आदमी ने, उसको कैसे छोड़ दूं। चले ठीक है, एक मिनट रुक जाएं। ये कह रहे हैं आमिर भाई, अब आप रुक जाएं, मेरा टर्न है ना भाई, अब आप सुने जवाब, मैं रुक जाता हूं, जवाब दूंगा फिर आपको दूंगा। डिवाइड तो कर देना, मुझे थोड़ा सा डिवाइड कर। अरे मेरे भाई रख लेना आपने अपनी बात, जी रख लेना अपनी बात। तो भाई, तो भाई पहले मैं आमिर को जवाब देता हूँ फिर आपको देता हूँ, ठीक है? दो जी, जहां तक आमिर ने ये कहा है कि हमारे पास मोहम्मद, मैंने ये कहा है कि हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है और युग नहीं बताया है, मैंने कहा है किताबों के अगर एतबार से आप चलोगे तो किताबों में युग लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बात की है यहाँ हिस्टोरिकल। यार एक मिनट यार, होल्ड ऑन, इसलिए तो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई, मैंने वो पढ़ी नहीं तो इसीलिए तो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ ना, रीजन क्या है बात ना करने का उस पर, यही तो है कि मैंने पढ़ी नहीं है, और जब पढ़ी होती तो फिर बात करता ना उसके ऊपर, उसके ऊपर इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बात करी है यहाँ पर हिस्टोरिकल एविडेंस की, और मैं फिर बोल रहा हूँ दर्ज कर लो इसको, मेरे पास तो क्या दुनिया में किसी भी सनातनी के पास कान्हा जी, कृष्णा जी और राम जी का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, क्योंकि जो राम जी का जो जन्म है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर त्रेता युग में बताया जाता है मेरे भाई, और कलयुग को शुरू हुए 5,500 साल हुए हैं, और उससे भी पहले हुआ है। यहाँ पर भी सीधी सी बात यह है कि मां सनातनियों का मानना यह है कि उनका जो जन्म है वो 11,000 साल पहले माना जाता है, कन्फर्म नहीं माना जाता है, मानते हैं सनातनी, श्योरिटी नहीं है। शुक्रिया भाई, ठीक है जी, क्या चेक कर लिया? मैं पहले से ही बात नहीं कर रहा हूँ स्क्रिप्चर के ऊपर भाई, मुझे उसका युग भी पता है, लेकिन मैं उस पर बात क्यों करूँ जब मैंने वो पढ़ा नहीं और मैं उसको ऑन नहीं करता। अब बात समझ रहे हो ना मेरे में क्या कह रहा हूँ मैं, इसलिए उस पर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ऑन नहीं करता भाई। तो जो चीज सिर्फ मानी जाती है ना उसको मैं ऑन नहीं करता, मैं बात करता हूँ प्रूवन पे, और प्रूवन चीज होती है साइंटिफिक या फिर हिस्टोरिकल। नहीं है हिस्टोरिकल एविडेंस राम जी का तो उस पर बात नहीं कर सकता कि कब कब उनका दौर हुआ है, कब वो आए हैं। जहां तक उनको पूर्वज मानने की बात है, उनको पूर्वज मानने के लिए मेरे लिए यह जरूरी नहीं है कि उनका दौर क्या था। अगर भारत में वो जन्मे हैं और भारत के हम लोग वासी हैं, भारत में हम लोग रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भारत के हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे पूर्वज बन जाते हैं, उनका दौर क्या है डजंट मैटर फॉर अस। दूसरी बात जो कृष्णा जी के बारे में, अब आता हूं आपके जवाब के ऊपर अवेकनिंग भाई, आपने जो कृष्णा जी के बारे में कहा है कि मैंने गीता पढ़ी पढ़ी नहीं है और मैं उसको ऑन नहीं करता हूं, मैं 100% गीता को ऑन करता हूं, लेकिन आप में से शायद किसी को भी ये पता नहीं होगा, 90% सनातनियों को नहीं पता है कि गीता के जो असल श्लोक हैं, असल रियल जो श्री कृष्ण जी ने दिए हैं, उनकी तादाद 700 नहीं है, 70 है, 70। और मेरे पास मैं कह रहा हूँ एक पंथ ऐसा भी है सनातन में जिनका ये मानना है, और उनके पास बाकायदा पीडीएफ फॉर्म में 70 श्लोक वाली गीता मौजूद भी है, उनका कहना यह है कि ये वो रियल गीता है जो श्री कृष्ण ने वहां पर अर्जुन को ज्ञान देते हुए कही थी महाभारत में, बाकी के जो 700 श्लोक हैं वो या तो वो किसी और का संवाद है, या तो किसी और की बातें हैं, या तो उसमें एड ऑन है, उनका ये मानना है। लेकिन मुझे गीता के 700 श्लोकों में मुझे पर्सनली एक भी, अरे सुन लो भाई सुन लो, मैं भी बोल कह रहा हूँ सुनो, तो मुझे 700 के 700 श्लोकों में कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नजर नहीं आती, इसलिए मैं 700 के 700 श्लोकों को ऑन करता हूँ। जहां तक बात है कृष्णा के खुद को ईश्वर कहने की, तो कौन से कृष्णा, फिजिकल फॉर्म या स्पिरिचुअल फॉर्म, ये भी डिस्कस की बात है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी चाहिए, लेट मी कंप्लीट माय आंसर, लेट मी कंप्लीट माय आंसर, लेट भाई लेट मी कंप्लीट माय आंसर, करो भाई करो करो करो, कर लेने दे समीर भाई, टाइमिंग को फिजिकल, आप फिजिकल, अरे भाई आप फिजिकल फॉर्म में जिन कृष्णा जी को जानते हैं, जिनके द्वारा वो गीता का ज्ञान दिया गया है, वो खुद युधिष्ठिर की सभा में ये कहते हैं, जब बाद में उनको कहा जाता है कि गुरुवर आप वो गीता का ज्ञान दें जो आपने वहां रणभूमि में दिया था, तो श्री कृष्णा जी कहते हैं
कि ए अर्जुन, ए युधिष्ठिर, जो ज्ञान तुमको प्राप्त हुआ है रणभूमि में वो मैंने नहीं दिया, वो स्वयं ईश्वर ने दिया। तो वहां पर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो मैंने नहीं दिया है भाई, ये वो उनकी वाणी से। हाँ, ये महाभारत के अंदर, ये महाभारत के अंदर है, महाभारत को मानते हैं। ओ भाई, तो महाभारत के अंदर से ही गीता निकाली गई है दोस्त मेरे। अरे भाई जबरदस्त जबरदस्त, आमिर भाई दोनों तरह से फंस गए हैं, समीर भाई ने गीता नहीं पढ़ी। ओ मेरे भाई, चैप्टर 25 से चैप्टर 27 तक का जो हिस्सा है वही गीता है मेरे भाई। मुझे एक मिनट दे दें, आपने अपनी बात पूरी रखी है। मैं फिर से पब्लिक और अपने सामेन से कहूंगा, खुसूसन अपने सनातनी भाइयों से कहूंगा कि समीर भाई आपके साथ फिर झूठ बोल गए, लेकिन मैंने गीता पढ़ी हुई है, मैंने किसी से उधार लेके नहीं पढ़ी, मेरे पास अब भी पढ़ी हुई है और मैंने पढ़ी हुई भी है, और एक बार नहीं पढ़ी हुई। इन्होंने बात की कि उन 700 श्लोकों को ये तस्लीम करते हैं, उसके अंदर पता क्या क्या बात है समीर साहब, वो आपको पता ही नहीं, और आपने फिजिकल फॉर्म की बताइए ना क्या है, बताइए ना क्या है, मुझे जानना चाहता हूँ ना। जी जी, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई सुने, खुतबे का दौर, खुतबे का दौर खत्म, रेफरेंस सामने रखे और बात करें, गीता का कौन सा चैप्टर पे कौन से श्लोक पे प्रॉब्लम है, गीता के सामने रखे और बात करें। ओपन, कंप्लीट करने दे, मुझे बात कंप्लीट करने दो। तुम्हें जो रेफरेंस चाहिए होगा इधर अभी के अभी तुम्हें मुहैया किया जाएगा। मैं समीर नहीं हूँ जो कहूंगा कि मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं बाद में ला के दूंगा, मैं अभी रेफरेंस दूंगा पब्लिक यहाँ पर। ओ भाई खोलो और बात करो। सुनो समीर, सुनो अली भाई को सुनो। जी समीर, इस गीता के 700 श्लोकों के अंदर ये बात मौजूद है कि कृष्णा जी से पूछा गया कि आपकी हम कैसे भक्ति करें, आपकी कैसे पूजा करें, फिजिकल फॉर्म में बेहतर है या स्पिरिचुअल फॉर्म में। तो श्री कृष्णा फरमाते हैं फिजिकल फॉर्म में। आपको नहीं पता तो नहीं दावे करते। मैं आपको अभी ये श्लोक दिखा, एक मिनट रुक जाओ ना, बात कंप्लीट कर। नंबर दो, आपने हमें महाभारत का एक रेफरेंस दे के कहा जी देखो महाभारत में ये लिखा हुआ है, इसलिए वो श्री कृष्णा जी थे ही नहीं। ठीक है, अब महाभारत भी साथ में ऑन की तुमने, और आपने महाभारत भी नहीं पढ़ी हुई, और आपको पता नहीं कि महाभारत के साथ आपने जो पंगा ले लिया ना गीता के साथ, उससे जान नहीं छूटनी। महाभारत तो उससे बड़ा भंडार है, जो तुम कभी भी समीर सारी जिंदगी बैठ के भी उसको सुलझाने की कोशिश करोगे वो सुलझेगा नहीं। इतने प्रॉब्लम, मुझे बयानबाजी मत करें, आप मुझे वो श्लोक खोल के दिखाएं जहां पे लिखा है कि फिजिकल फॉर्म में। ओके हो गया जी आमिर भाई, हमारे दरमियान ये बात स्टक हो गई है, आप हमें मॉडरेट करेंगे। अब मैं वो श्लोक दिखाऊंगा, पहले मुझे तय करवा के दें कि मैं ये फिजिकल फॉर्म वाला श्लोक इनको दिखाता हूँ, फिर ये क्या करेंगे। हाँ दिखाए दिखाए दिखाए, हाँ दिखाए नहीं ना, ये क्या बात हुई, आपने पब्लिक के सामने बहुत दावे किए। ओ भाई दिखाए वो अली भाई, आप दिखाएं उसको, उसकी भी पीपीटी, उसकी पीपीटी बन जाएगी। ओ अली भाई आप दिखाएं, उसकी पीपीटी बन जाएगी, टेंशन ना लें जी। चले ठीक है, मतलब कोई फैसला और नहीं होगा, जस्ट ये कि समीर साहब आप कम से कम ये तो मानेंगे ना फिर कि आप गीता को भी फॉलो नहीं करते और आप झूठ बोलते हैं। अरे यार खोलोगे या फिर दावेबाजी और बयानबाजी करोगे? मैं कह रहा हूँ लफाजी से कोई फायदा नहीं है ना, श्लोक खोलें सामने रख के पहले साबित तो करें। अली भाई मैं मॉडरेट करने लगा हूँ, समीर भाई अली भाई रुक जाएं, रेफरेंस तक रुक जाएं, ठीक है। पब्लिक नीचे देख रही है, आई होप बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सनातन धर्म के ऊपर बड़ी रिसर्च की विषय के ऊपर बातें चल रही हैं। अली भाई टेक योर टाइम, समीर आप भी थोड़ी ब्रेक ले लें। जितनी देर में रेफरेंस निकलता है, जो बात निकलती है, देखें इंपॉर्टेंट चीज ये है जो जी अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा आप निकाल लें, देख लें, मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट दे दें, गीता मुझसे थोड़ी सी अवेयर पड़ी, मैं उठा के ले आऊं। जस्ट जरूर 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 जरूर, टेक योर टाइम। समीर भाई को टाइम मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। मैं म्यूट कर दूंगा, आप फिर इनको टाइम भी दीजिएगा और ये श्लोक मैं इन्हें दिखाऊंगा और ये इसको ऑन करते हैं, और भी काफी रेफरेंसेस हैं, ये आप सबको ऑन करेंगे, मैं लेके आया बस। जी 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 चले आप लाएं जरूर लाएं, ठीक हो गया। अच्छा दर्शकों देखें, समीर भाई ने भगवद गीता को ऑन किया है और उसके 700 श्लोकों को, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भगवद गीता में कुछ लोग ये मानते हैं कि 700 नहीं है 70 हैं, और उन्होंने पूरी छाप के रखी हुई हैं, जो कि एक कुछ है, एक संगठन है, उन्होंने इस पर बात की। मगर ये है कि देखना ये है कि भगवद गीता के हवाले से समीर भाई क्या राय रखते हैं, श्री कृष्णा ने उसमें क्या क्लेम किए हुए हैं, बहुत बहुत बड़े क्लेम किए हुए हैं। अगर आप, जारी बात है, भगवद गीता को इस कौन वाले भी उठाकर फिरते हैं जो श्री कृष्णा को स्वयं परमात्मा तक मानते हैं और द ओनली सत्य मानते हैं, अब ये बात आ गई है कि क्या श्री कृष्णा
समीर जो हैं वो ये रख रहे हैं कि क्या श्री कृष्णा फिजिकली ये बात कर रहे थे या स्पिरिचुअली ये बात कर रहे थे। देखना ये होगा कि फिजिकली और स्पिरिचुअली को किस तरीके से समीर भाई एक्सप्लेन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होगा। या ये मानना पड़ेगा कि स्पिरिचुअली कोई आवाज आई थी उससे मामला चला था, उसका फिर रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्णा अगर बोल रहे हैं फिजिकली फॉर्म यानी फिजिकली बॉडी से श्री कृष्णा की आवाज निकल रही है, जिसको भगवद गीता कहा ही इसलिए जाता है कि वो भगवान का गीत है, तो उसका नाम ही श्रीमद भगवद गीता इसीलिए पड़ गया। तो श्री कृष्णा के मुंह से स्वयं निकली हुई जो बात है वो फिजिकल फॉर्म में श्री कृष्णा थे, तो उस बात को स्पिरिचुअल माना जाए, या श्री कृष्णा ने बोला ही नहीं था उन श्लोकों को। समीर भाई कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही कहीं और से बात आई थी। मैं अपना स्टैंड क्लियर करूं, आमिर भाई मैं अपना स्टैंड क्लियर करूं, बेहतर ही होगा। वो जब लाएंगे रेफरेंस उस पे बात कर लूंगा मैं, फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं मैं उसपे अपना स्टैंड क्लियर करूंगा। बता देता हूं, नहीं नहीं उसकी वजह ये मैं बताता हूं। उसको करेक्ट भी नहीं करने दोगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भाई आपको भाई आप चले मैं चुप कर जाता हूँ। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, मैं चुप कर जाता हूँ, मैं और बात करना शुरू कर देता हूँ। श्री राम के हवाले से समीर भाई, वैसे जब अली भाई आएंगे तो मैं फौरन खामोश हो जाऊंगा, ठीक है? फिर उस वो बात फिर से वही बात अब आप फिर से वही बात करें, ओ भाई नहीं करें या तो फिर मुझे भी बोल लेते, नहीं तो नहीं करें। अच्छा चल चलें, ठीक है मैं नहीं करता जी। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना मचलने लगा, कंफर्म हम मिले इस तरह, आह आह इस्लाम में गाना मौसीकी हराम है, इस्लाम में जहन्नमी हो तुम। मनुस्मृति के अंदर भी हराम है, मैंने कहा था बोलना नहीं है, मैं टॉपिक पे बात नहीं कर रहा। मनुस्मृति मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप किसी को भी नहीं मानते, मैं छोड़ दें आप जो कर देना, फिर क्यों मुझसे पंगा कर रहे हैं? मुझे गाना तो गाने देना, क्या बात है? और भाई तो इस्लाम में हराम है मौसीकी, ओ भाई ओ भाई तो छोड़ देना, छोड़ दें आप, छोड़ दें, मैं जानना हराम काम कर रहे हो। ओ भाई छोड़ें, ये बात तब सोचनी चाहिए थी, दिल्ली में गए थे तब सोचनी थी ना, जब उड़ीसा गए थे। ना छेड़े मुझे समीर भाई, क्यों मेरे साथ खराब कर रहे हो? मैं अपना गाना गा रहा हूं, आपको दिक्कत पड़ गई। ओ यार इस्लाम को फॉलो करते हो फिर इस्लाम की बातों को फॉलो नहीं करते, कितना हिपोक्रेट हो तुम। मैं कभी आओ ना जरा पेशावर, आओ ना जरा, आओ ना खुशबू। हाँ पेशावर, पेशावर में तुम लोग क्या करते हो मुझे अच्छे से मालूम। अली भाई, यहाँ आपके साथ भी हुआ था जी। अली भाई तुम लोग गपशप मरवाते हो उधर, पता है मुझे। पेशावर समीर भाई आपकी भगवत गीता खुली हुई मेरे सामने, ऐसे ना करें। खोले रोर भाई अध्याय नंबर 12 निकालिए। अच्छा जी चले भक्तियों खोल दे जी। जी रोर भाई खोले जी, भक्तियों का श्लोक बताए जी अली भाई। जी जी सब्र करें, पहले दो श्लोक ही इसके। ओके जी, मैंने इतने सारे मैंने वो टैब खोल रखे, मैं क्लोज कर देता हूं। ओपन हो जाए। भगवत गीता का कौन सा अध्याय है? 12 है ना, 12 चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर है आपका 12 है ना? जी जी 12 निकाल फर्स्ट क्लास 15 13 12। और श्लोक नंबर क्या बताया? 1 और 2 एक मिनट में देख आया स्क्रीन पर। इतना टाइम लगता है यार खोलने के लिए, तुम पीपीटी लेके बैठे रहते हो और तुमको तो खोलने में जमाना निकल गया। जी
नहीं, जो जिसपे मेरी कमांड है वो मेरे सामने है स्क्रीन पे। जी जी कमांड है ना जी, ये सामने आ गया, इसको जरा पढ़िए और बताइए। नहीं वो उस पर आपकी कमांड है, मगर ये इन डिमांड है जी अली भाई। डिमांड तो आपकी पूरी हो रही है ना भाई, आप लोगों को इस्लाम पे बात करने में आप लोगों की फटती है मुझसे बात से। समीर भाई आप अगर आप उसी तरीके की ट्रीटमेंट चाह रहे हैं जैसे पहले हम किया करते थे तो वो भी हो जाएगी। आप विषय पर बात करें, आप भागें, आपको आज जाने नहीं देंगे हम। मेरा भाई देखिए जरा, ओ भाई अगर अवभगत करोगे तो सम्मान तो पूरा तुमको भी मिलेगा ना भाई। जी जरा देखिए समीर भाई, श्लोक आ गया, देखे आपकी वजह से मैंने तकलीफ की और मैं लेके आ गया, ये पढ़ के सुनाई। पढ़े मुझे संस्कृत नहीं आती ना, ना हिंदी आती, ये आपके सामने इसको जरा पढ़ी। ना संस्कृत आती है ना हिंदी आती है, बात गीता पे करेंगे। चले जी जी जी। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता अष्टमा परपुपासते ये चापक्षरम वक्त्यम ते शामे योग वित्तमा। ये पहला श्लोक है बारह का, इसको ट्रांसलेट किया है अर्जुन बोले। अर्जुन उवाचा नहीं है, उवाच। ओ भाई हेलो, अगर ओरिजिनल संस्कृत में जाओगे ना तो वहां पे उवाचा ही होता है, दो बिंदी लगी होती है चेक के आगे, ठीक है। ये तुम जो खोल रहे हो ना, सुनो, ये जो तुम खोल रहे हो ना ये इंटरनेट से, इसको छोड़ दो, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किताब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अर्जुन बोले जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह करके आप सगुण रूप का परमेश्वर को और दूसरे के केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वक्ता कौन है? यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर रुक जाइए, हाँ ये सवाल क्लियरली बताइए कि सवाल क्या है। हाँ वही मैं बता रहा था, यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं कृष्णा जी से कि आपको जो लोग आपका जो ध्यान करके यानी कि आपकी तरफ जो है ना रुजू हो करके आपकी तरफ जो है ध्यान लगा करके जो लोग आपके सगुण रूप को यानी कि जिसमें सारे अच्छे गुण मौजूद हैं जिस रूप में सगुण रूप परमेश्वर को जो लोग भजते हैं और दूसरे वो लोग जो अविनाशी यानी कि जो कभी ना समाप्त होने वाला सच्चिदानंद जो सच्चा है निराकार जिसका कोई आकार नहीं है निराकार ब्रह्म है उसको भजते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अच्छा, वो लोग जो सगुण रूप के साथ बजते हैं या फिर जो लोग निराकार रूप से बजते हैं, ठीक है जी जी। अब मुझे ये बताइए कि ये साकार आप फरमा रहे हैं ये दो कौन से हैं जिन दोनों में से पूछा गया? हाँ तो इसमें इसका अब उत्तर जो है वो दूसरे श्लोक में आपको मिलेगा। उत्तर ले लेते हैं क्वेश्चन बताइए किन दो के दरमियान फर्क करना, दोनों में से उत्तम कौन होगा, एक कौन सा है, एक साकार है और एक साकार की दलील, साकार की दलील, एक मिनट, साकार की दलील है, साकार की दलील है, दो के दरमियान फर्क, किस दो के दरमियान फर्क करना? अभी बताया है, अगर सुना होता तो दोबारा नहीं पूछते, समझ नहीं रहे मुझे, समझ नहीं रहा, दोबारा फिर बता देता हूँ किन दो के दरमियान फर्क है। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं योर पर्सनल फॉर्म। अरे भाई होल्ड ऑन, या तो तुम ही बोल लो, तुम ही बता दो, नहीं तो फिर मेरे से पूछ लो तो सुन लो। मैं तो बता ही रहा हूँ, मैंने तो बता दिया, आप बताएं यहाँ पे दो के दरमियान फर्क कर। आपने जो बताया है साकार बताया, मुझे साकार दिखाए कहाँ है, चले नहीं साकार मैंने इन मानों में कहा है कि निराकार का अपोजिट वही बनेगा, लेकिन आप नहीं करते, अपोजिट है नहीं, अपोजिट नहीं है ना भाई, जरूरी तो नहीं है अपोजिट की बात हो रही है। एक मिनट साकार किधर है, एक मिनट हिंदी क्लिक करें रोर, ये किसकी किसने खोला हुआ है? यहाँ पे गुणों की बात हो रही है, यहाँ पे गुण की बात, चुप करो, हिंदी ओपन करें नीचे आए, हिंदी ओपन कर दिए, ले जी हां ज़ूम कर, ओपन कर, साकार वर्ड दिखाएं, साकार के साकार रूप दिखाएं। हां जी ये किसकी ट्रांसलेशन है जी, किसकी ट्रांसलेशन है ओहो ट्रांसलेशन पे आ गए, किसके हाथ क्यों नहीं आऊंगा ट्रांसलेशन पे, किसकी ट्रांसलेशन है मेरे सामने? हाँ सुनो, मेरे सामने खुली हुई है, यहाँ पे कहीं भी साकार का वर्ड ही नहीं तो है, ये भी खुली हुई है ये बंद नहीं, मैं लिंक भेजू अरे लुक मैं लिंक भेज देता हूँ ये क्या है, ये भी लिंक है, ये लिंक नहीं है, अरे मैं प्राइवेट चैट में लिंक भेज रहा हूँ, वहां से खोलो, रुको भाई पहले, नहीं एक मिनट रुके हैं ये सामने रुके नहीं साकार रूप, एक मिनट, अरे भाई इसका मतलब है वो किसकी ट्रांसलेशन है, मैं नहीं मानता,
इसका मतलब है, इसका मतलब है अली भाई जो साकार बोल रहे थे वो लिखा हुआ है, जो अली भाई दिखा रहे हैं भाई वो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तुमने पूछा था साकार यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा मेरा क्या होता है, ये किसी मुसलमान ने लिखी हुई है? ओ मेरे प्यारे भाई मैं लिंक दे रहा हूँ इसको खोलो। भाई लिंक ना दो, लिंक ना दो, हमें ये बताओ कि ये कौन से दो रूप है जिनके दरमियान फर्क है। वही बता रहा था तुमको भाई, वही बता रहा था, लेकिन अब आप ये लिंक खोलो, स्क्रीन पे रखो, वहीं से बताऊंगा, स्क्रीन पे रखो इसको, मैं बताऊंगा। ये हमारे सामने जो मौजूद है ये गलत है मुकुंदा नंदा? अरे मेरे भाई मुझे नहीं पता है कि ये सही है गलत है, मैंने जो लिंक दिया उसको खोल दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चले ठीक है, मैंने अपने वाला, एक मिनट रुके समीर भाई, मैंने अपने वाला रेफरेंस दिखा दिया और क्लियर हो गया कि मैंने बताया है कि साकार और निराकार की बात हो रही, इन दोनों में से उत्तम क्या है, तो आपके पास क्या है वो भी बता दीजिए और आगे चलिए दूसरे श्लोक में। यार मजा तो अगले श्लोक में। हाँ भाई, जो मैंने आपको बताया है अभी उसको पहले स्क्रीन पर लिंक कॉल करके रखे। अली अली मेरी आवाज ऑडिबल है? आर यू, आई एम ऑडिबल फॉर यू? जी जी बताइए बताइए। ओपन द लिंक एंड पुट ऑन स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन। आप एक्सप्लेन कर दें, हम ले लेते हैं लिंक आपका। लिंक हाँ, इसको खोल करके स्क्रीन पर रखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्क्रीन से। गो अहेड, एक मिनट दो। अली भाई ने दोस्तों जो कहा था साकार नजर आ गया हिंदी के अंदर और ये आपके सामने है। हाँ अभी साकार दिखाते हैं तुमको। और ये बात से मैं कोई छोटे मोटे का नहीं बता रहा हूँ, ये बात से सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है स्वामी मुकुंदा। जी 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 बिल्कुल, इनका ही किया हुआ है भाई। यूपीआई भी दिया नीचे जाएं भाई, यूपीआई और पेपाल और पेट्रियन दिया हुआ है नीचे। हाँ वो Quran.com पे भी, दिया है, प्लीज डोनेट अस टू इंप्रूव। आपने श्लोक का दावा किया था, मैंने आपके सामने दो नंबरी मत करो, ये खोलो जो मैंने बोला, इसमें श्लोक इसमें चैप्टर 12 खोलो। पहले भगवत गीता कहाँ, ये पहले ये बता भगवत गीता कहाँ? अरे भाई ओ हेलो भैया, ये 12वां श्लोक है, 12वां अध्याय भक्ति योग श्रीमद भगवत गीता। नीचे कर भाई, नीचे भगवत गीता, नीचे कर भाई, नीचे। नहीं नहीं ये क्या, भगवत गीता नहीं है, रेफरेंस का उसूल होता है, ओरिजिनल किताब किताब का। अरे इसको स्लाइड करो नीचे की तरफ, ड्रॉप करो इसको। नहीं 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 नहीं, समीर भी सोचता होगा किस ने स्वीकार किया। अरे करो निकाल, अरे भाई इसको खोलो, किताब निकाले। बहुत कुछ खोल सकता हूँ, वेद का वेद। तुमने किताब खोली है? किताब खोली है? मैंने किताब खोली थी तुमने? तुमने किताब खोली थी? ओ यार कितने यार, तुम लोग सर्टिफाइड डंगर हो, तुम वो वेबसाइट खोल करके किताब बता रहे हो उसको? वो वेबसाइट खोली है तुमने? एक मिनट चलो, एक मिनट रेफरेंस क्यों नहीं दिखा रहे? रुके डर क्यों रहे हो? लॉजिक किताब मेरा रेफरेंस क्यों नहीं दिखा रहे हो? लॉजिक किताब खुलने लगी है, किताब खुलने लगी है, ठीक है जी। क्या इंसान है भाई, किताब खोलो, जब तुम भी मुझे बोल रहे हो किताब खोलो, तुम भी किताब खोलो। जी जी लॉजी, किताब खोल रहा है, किताब ये किताब है, हाँ ये किताब है, स्वामी ये किताब। अरे ओपन चैलेंज देता हूँ समीर तुझे, अभी के अभी मुकुंदा नंद की किताब निकाल अभी। पहले तो तमीज से बात कर, तू मत कर, तू मत कर। मैं आप मैं बोल रहा हूँ ना, अरे भाई मैंने जो लिंक दिया है उसको क्यों नहीं खोल रहे हो? मैंने वो ओपन किया, क्यों नहीं खोल रहे हो? आप बोल ही नहीं हो, आप पढ़ के सुना दो। किताब निकालेगा भैया, किताब निकाल। ए डंगर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तू चुप कर। नहीं फिर वही बात, मैं तेरे को जानता नहीं। वो बात को नहीं यार, भागने के लिए कोई और तरीका। बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत कर। एक मिनट रो, बोल रहा हूं, रोर आप चुप कर जाए, रोर आप चुप कर जाए। इसको हटाओ डंगर को यहाँ से, मैं बात यहाँ आमिर से और अली से कर रहा हूँ। इसको डंगर को हटाओ बीच में से। समीर मैंने चुप करवा दिया, ये बातें कर रहे हो वो हमारे। देखो ये मेरे को भाई है, देखो ये मेरे को बेटा। समीर सुनो, अली अली सुनो, ये मेरे को बेटा बेटा बोल रहा है, मैं इसका बाप हूँ, इसको बता दो उसका बेटा बेटा नहीं, इसका बाप हूँ। रोर आपने खामोश रहना है, रोर आपने खामोश रहना है, आप भाइयों आपने खामोश रहना है, छोड़ दो सब। देख रहे हैं लोग इसके पास, ये जो जिस वजह से कर रहे हैं पब्लिक को पता है, इसको बिल्कुल छोड़ दो। चलो लिंक खोलो और स्क्रीन पर रखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लिंक मैंने खोला था, मैंने पहले भी खोला था, आपने उस पर भूले कुछ नहीं। ओ भाई तुमने स्क्रीन पर रखा ही नहीं है, उसको स्क्रीन पर लाओ, श्लोक को नीचे श्लोक है उसमें, उसको लिंक को खोल करके स्लाइड करके नीचे लाओ, श्लोक है। दोबारा खोल देता हूँ, सब्र करो एक मिनट। हाँ जी यही है लिंक आपका, ये जो आपने भेजा मुझे, देख लीजिए एक दफा। अभी आया नहीं है स्क्रीन पर, नहीं शेयर हुई है। इसको नीचे स्लाइड कर, नीचे की तरफ लेके जाएं।
हाँ जी हाँ, कितना नीचे नीचे चले और नीचे चले, ये देखिए पहला श्लोक आ गया, इसको स्क्रीन पर रखें, थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे हिंदी भी लिखी है ट्रांसलेशन और संस्कृत का वो भी लिखा श्लोक। हाँ जी और कितना करूं? नहीं ना हमें भी किताब से चाहिए ना अली भाई, अली भाई दो नंबर ही ना करें, अली भाई आमिर दो नंबर ही ना करें, दो नंबर ही ना करें, हम किताब से दिखा रहे हैं, किताब से नहीं दिखा रहे हैं, वेबसाइट दिखा रहे हैं, वेबसाइट दिखा रहे हैं, अभी दिखाने लगा हूं मैं, दिखा रहा हूं, मैं वही निकाल रहा हूं, मैं खामोश क्यों हुआ था, जब मैं तुमको डाउनलोड कर रहा हूं, जब तुम मेरे को वेबसाइट दिखा रहे हो मैं भी तुमको वेबसाइट दिखा रहा हूं, किताब तो तुमने भी दिखा रहा हूं, किताब निकालो, चलो निकालो, पीडीएफ फॉर्म निकालो, वही निकाल रहा हूं ना, इसीलिए तो चुप हुआ था मैं कि मैं निकाल रहा हूं यहां पर, आप भी बुक निकालोगे, बुक निकालो, शाबाश, मेरे सामने खुली हुई है, तुम निकालो अपनी, निकालो, तुम्हारे सामने खुली हुई है, हम क्यों निकालें फिर, हमारे भी सामने खुली हुई है, चलो ये क्या बात है, हमारे भी सामने खुली हुई है, तो ठीक है तुम अपनी पढ़ लो, मैं अपनी पढ़ लेता हूँ, तो बस ठीक है, हम अपनी पढ़ रहे हैं फिर, अपनी अपनी पढ़ो, जाओ जाओ फिर अपनी अपनी पढ़ो, ये क्या तमाशा है यार, तमाशा तुम्हारा है, तमाशा तुम्हारा है, तुम वेबसाइट दिखाते हो और फिर मुझे बोलते हो किताब दिखाओ, और वेबसाइट दिखाई है तो जब तुमने कहा बुक से दिखाओ तो बुक निकाल रहे हैं, तो मैंने भी वेबसाइट दिखाई है ना, क्यों नहीं दिखाओगे, क्यों नहीं दिखाओगे आप, दिखाओ ना, मैं शेयर नहीं कर सकता ना भाई, मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं कैसे शेयर करूँ, शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप उस किताब का लिंक डाल दो, किताब का लिंक डालो, ओ भाई किताब का लिंक कहाँ से होता है मेरे भाई, किताब उसको बोलते हैं जो फिजिकल फॉर्म में हो, बाकी जो इंटरनेट पे होगी वो वेबसाइट होगी, इसका दिमाग चंगर आदमी का, उसको ना ई बुक्स का पता है, अभी सॉफ्ट कॉपी बोल रहा था, ये कोई तरीका नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप अपने घर में नहीं बैठे हुए या मोना के साथ नहीं बैठे हुए कि आप जिसको दिल करे दंगर कह रहे हो, मैं नेक्स्ट ये बात नहीं, मैं मोना के साथ तो नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं इस तरह की लैंग्वेज, समीर कभी इसके बच्चे,